पंजाब के किसान BMW में बैठकर सिंघू बॉर्डर या संभू बॉर्डर पहुंचते हैं, खाए पिए किसान हैं। क्योंकि लोकसभा का चुनाव नज़दीक आ गया है तो वो भी दिल्ली के नज़दीक आना चाह रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये 60 साल से कोई अपना हक मांग रहा है, वो तंग आ गया है, आजिज हो गया। अब कह रहा है कि अब तो नहीं तो मतलब मैं जी नहीं सकता। वित्त मंत्री, कृषि मंत्री हर साल संसद में खड़े होकर कहते हैं हमने ये योजना बनवाई है, उससे किसानों को ये न्यूनतम मूल्य मिलेगा, वो योजना बनवाई है, इस साल तो दे ही देंगे, ये तो बिल्कुल हो गया है। किसान कह रहा है भैया 60 साल हो गए, अब दे दो। जो हर रोज दर्ज करती है कि भारत सरकार जिसको न्यूनतम दाम कहती है वो इस देश के 80% किसानों को नहीं मिलता है। महाराष्ट्र के किसान भी सामने नहीं आ रहे हैं, तमिलनाडु के किसानों ने तमिलनाडु में कुछ प्रदर्शन किए थे लेकिन बहुत मेजरली वो भी सामने नहीं आ रहे हैं, तो इसका क्या वजह लगती है कि सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसानों की प्रमुखता क्यों? ऐसे 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 बढ़ेंगे आपके सामने, आप साथ आइएगा, मारेंगे, ऐसे होगा। जितनी मांगे संबंधित भारत सरकार से जो विषय हो सकता है वो हम कर रहे हैं। डेली का रवैया हो गया है, जब लास्ट टाइम चुनाव आए थे ये तो होना ही था। हम किसान मजदूर की आवाज उठाने वाले, जनसत्ता के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। अभी हमारे साथ योगेंद्र यादव है, सामाजिक कार्यकर्ता हैं। योगेंद्र जी, किसान आंदोलन दिल्ली की बॉर्डर्स पर जारी है, हम आपसे कुछ सवाल इस किसान आंदोलन को लेकर पूछना चाहते हैं। सबसे पहला सवाल और सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो लोगों के जहन में है किसान आंदोलन को लेकर, वो MSP से जुड़ा हुआ है। कुछ लोगों का ये कहना है कि MSP की जो मांग है वो काफ़ी पुरानी हो गई है, MSP की जो ज़रूरत है वो भी अब बाकी नहीं रही है, क्योंकि जब 1967 में या 60 के दशक में, 1960 के आसपास जब MSP को लाया गया था तो उस वक्त ज़रूरत बहुत ज़्यादा थी, लेकिन अब वो ज़रूरत नहीं रही क्योंकि गेहूं की फसल भी, चावल भी, स्टॉक जो है वो सरकार के पास ओवर हो रहा है। तो क्यों सरकार को MSP को लागू करना चाहिए जब ज़रूरत ही नहीं रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं सिर्फ हंस सकता हूँ ऐसी बातों पे, और मैं समझता हूँ ये हास्यास्पद बात है, ये इनका कोई क्योंकि गंभीर तर्क एक बात होती है, उलझुल की बातें बनाना एक दूसरी चीज होती है। देखिए, पहली बात याद रखिए, ये जो MSP की मांग है ये कोई अचानक उठी हुई मांग नहीं है, और ये कोई मांग कोई उलझुल मांग नहीं है। याद रखिए, पिछले 60 साल से इस देश की सरकार किसानों को साल में दो बार कहती है कि आप फसल बोने वाले हो, इस फसल में आपका न्यूनतम मूल्य ये होना चाहिए, और सिर्फ चाहिए नहीं, हम इस पे समर्थन देंगे, सरकार ये कोशिश करेगी कि आपको ये मूल्य मिले। ये मैं नहीं कह रहा, इस देश की सरकार हर साल 23 फसलों के बारे में कहती है, वित्त मंत्री, कृषि मंत्री हर साल संसद में खड़े होकर कहते हैं हमने ये योजना बनवाई है, उससे किसानों को ये न्यूनतम मूल्य मिलेगा, वो योजना बनवाई है, इस साल तो दे ही देंगे, ये तो बिल्कुल हो गया है। किसान कह रहा है भैया 60 साल हो गए, अब दे दो। कोई नई चीज नहीं कह रहा है किसान, ऐसी कोई अनहोनी चीज नहीं मांग रहा है जिसका किसी ने ना सुना है ना जिसको पता है, कोई अचानक किसानों ने अपने मन से तरफ का इक्का निकाल दिया, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा, इसके बारे में जो आलोचना है, कुछ तो गंभीर मुद्दे हैं और कुछ क्या कहूं, नादान लोगों की जान बातें हैं जिन्हें कृषि के बारे में कुछ पता नहीं, कृषि नीति के बारे में कुछ पता नहीं है। ये कहना कि पहले स्टॉक नहीं हुआ करता था इसलिए MSP की जरूरत थी, अब स्टॉक हो गया है इसलिए MSP की जरूरत नहीं है, जो ऐसी बातें करते हैं उनको तो कृषि के बारे में कुछ पता नहीं है भैया। MSP इसलिए, MSP की मांग इसलिए नहीं है कि सरकार को राशन की दुकान में देने के लिए पर्याप्त गेहूं या चावल नहीं है,
दो बिल्कुल अलग मुद्दे हैं। एक है पीडीएस का मुद्दा, एक है एमएसपी का मुद्दा। पीडीएस मतलब राशन की दुकान में लोगों को सस्ता अनाज देना। पहले सरकार के पास इसकी कमी होती थी, जब से देश में प्रोडक्शन बढ़ा है उसकी कमी दूर हो गई है। उसका ताल्लुक किसानों से नहीं है, उसका ताल्लुक गरीब उपभोक्ता से है। तो जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम यानी कि राशन की दुकान से सस्ता अनाज दिलवाना, ये सरकार की गरीब उपभोक्ता के साथ कमिटमेंट है। इसका इसके लिए एमएसपी की कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल ठीक बात है। लेकिन एमएसपी की जरूरत है किसानों को उनकी मेहनत का वाजिब दाम दिलवाने के लिए। ये दो बिल्कुल अलग अलग मुद्दे हैं, और जो इन दोनों को मैं अंतर नहीं कर सकता उसके बारे में तो मैं हंस ही सकता हूं, और क्या कर सकता हूं। किसान ये नहीं कह रहा है कि राशन की दुकान में गेहूं नहीं है इसलिए मेरा गेहूं खरीदो, ना। किसान कह रहा है कि मैं मेहनत करता हूं, मुझे मेहनत का वाजिब दाम मिलना चाहिए, मुझे मेहनत का दाम मिलता नहीं है। और किसान सिर्फ कह नहीं रहा है, भारत सरकार की एक वेबसाइट है, आप अपने अपने श्रोताओं को दिखा दीजिएगा वो वेबसाइट, जिसका नाम है एग्री मार्क नेट, जिसमें हर रोज हर मंडी में किसान को क्या दाम मिल रहा है वो दिखाया जाता है, जो हर रोज दर्ज करती है कि भारत सरकार जिसको न्यूनतम दाम कहती है वो इस देश के 80% किसानों को नहीं मिलता है। और भारत सरकार एक और रिपोर्ट जारी करती है साल में दो बार, CACP की रिपोर्ट। वो रिपोर्ट हर 6 महीने में दर्ज करती है कि फला फसल में 60% किसानों को दाम नहीं मिला, फला फसल में 70% किसानों को दाम नहीं मिला। तो ये किसानों का आरोप नहीं है, ये भारत सरकार द्वारा एडमिटेड फैक्ट है। और किसान जब कहते हैं कि इसके लिए आप हमें MSP दीजिए, ये किसानों के मन की बढ़ वो नहीं है। वो एक नेता ने आज से 10 साल पहले इस देश में घूम घूम के हर पब्लिक मीटिंग में कहा था कि हम किसानों को ये देंगे। उस नेता का नाम है माननीय नरेंद्र मोदी। यही जब किसान कहते हैं कि हमें इसकी अब कानूनी गारंटी चाहिए, सुन सुन के हमारे कान पक गए, अब हमें आपके वादे नहीं चाहिए, दावे नहीं चाहिए, हमें कानूनी गारंटी चाहिए। इस बात का समर्थन करने वाले भी आज से 13 वर्ष पहले इस देश के एक मुख्यमंत्री थे। उस समय वो गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, जिन्होंने उस समय के प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी थी, कहा था कि MSP को कानूनी गारंटी का दर्जा देना चाहिए। उस मुख्यमंत्री का नाम था माननीय नरेंद्र मोदी। किसान वही मांग रहा है जो नरेंद्र मोदी ने वायदा किया था, जो इस देश की तमाम सरकारें कहती आ रही हैं मुंह से, करती नहीं है। सिर्फ ये है, अब बताइए इसमें एतराज की बात क्या है। मैं कोई गंभीर तर्क सुनना चाहता हूं ताकि उसका जवाब दे सके। एक बात ये कही जा रही है कि अगर वाकई MSP एक बड़ी प्रॉब्लम है किसानों के लिए और वो किसानों की समस्याओं का निवारण है, तो सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसान क्यों विरोध कर रहे हैं? तेलंगाना में तो चावल ज्यादा उगाया जाता है, महाराष्ट्र के किसान भी सामने नहीं आ रहे हैं, तमिलनाडु के किसानों ने तमिलनाडु में कुछ प्रदर्शन किए थे लेकिन बहुत मेजरली वो भी सामने नहीं आ रहे हैं, तो इसका क्या वजह लगती है कि सिर्फ पंजाब और हरियाणा के किसानों की प्रमुखता क्यों? इस देश में जो भी किसानों के आंदोलन जब भी होते हैं वो प्रमुखता से उन्हीं इलाकों में होते हैं जहां का किसान सुबह शाम 2 वक्त खाना खा सकता है। वो किसान कहाँ है? वो किसान पंजाब में है, हरियाणा में है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, वो किसान तेलंगाना के कुछ इलाके में है, कोस्टल आंध्र प्रदेश में है, दक्षिणी कर्नाटका में है और पश्चिमी महाराष्ट्र में है, तमिलनाडु के कुछ इलाकों में है। इन सब जगह किसान संगठनों ने इस मांग का समर्थन किया है। मैं गिनवा देता हूं आपको, कर्नाटका में कर्नाटका राज्य रैयत संघ है जिसके 3 अलग अलग धड़े हैं, तीनों ने इस बात का समर्थन किया है, तीनों ने अभी सांकेतिक प्रदर्शन इसके बारे में किया था। आंध्रा में और तेलंगाना में किसान स्वराज वेदी करके उन लोगों ने इसका समर्थन किया है। अगले ही हफ्ते उनकी एक कन्वेंशन होने जा रही है जहां मैं जा रहा हूं। महाराष्ट्र में शेतकरी संगठन करके और दूसरा महाराष्ट्र के 32 किसान संगठनों का एक समूह है जिन सबने इसका समर्थन किया है।
अब हर कोई दिल्ली पहुंच नहीं सकता, कर्नाटका मैसूर का किसान दिल्ली नहीं आ सकता आपका प्रदर्शन करने के लिए, वो अपने घर में प्रदर्शन करता है जिसको दिल्ली का मीडिया नोटिस नहीं करता और कहता है कि कहीं है ही नहीं। अरे भाई आप वहां जाके देख लो ना, वो तो अपने घर में कर रहा है प्रोटेस्ट। तो सच बात ये है कि अपनी मेहनत का दाम मिले, ये इस देश के हर किसान की इच्छा है। जिन किसानों ने एमएसपी के बारे में जान लिया है, एक आधी बार उसका फायदा उठा लिया है, वो खुल के बाहर आता है। अब पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसान को तो पता ही नहीं है कि एमएसपी नामक कोई चीज हो भी सकती है इस दुनिया में। वो तो ऐसी दुनिया में रहता है कि उसको लगता है कि ना, जो मेरी नियति है मुझे तो यही मिलना, और मेरे को क्या मिल सकता है। तो जाहिर है वो बाहर नहीं आ पाता है, लेकिन धीरे धीरे इस 2 साल पहले इस देश का जो किसान आंदोलन हुआ, उस किसान आंदोलन की सबसे बड़ी उपलब्धि यही थी। ये नहीं थी कि 3 कानून वापस हो गए, वो छोटी उपलब्धि। ये एमएसपी नामक कोई चिड़िया है जो किसान का अधिकार है, जो उसको मिल नहीं रहा, ये पहली बार इस देश के किसान को पता लगा। सच बात यह है, आज से 5 साल पहले तो अखबार के संपादकों को भी नहीं पता होता था कि एमएसपी क्या चीज है। मैं जाके समझाता था, हम डेलीगेशन लेके जाते थे। आज देश में चर्चा तो हो रही है एमएसपी के बारे में, बहुत बड़ी बात है, पूरे देश में इसकी चेतना फैल रही है और अब इस आंदोलन में पूरा एक व्यापक समर्थन है। आपने एक बात की, अपनी बात के दौरान एक बात कही कि वही किसान आवाज उठा पाएगा जो 2 वक्त की रोटी तो खा पा रहा है। ये जो 2 वक्त की रोटी की एक बात है, इसको लेकर एक नैरेटिव भी है पंजाब के किसानों को लेकर, कि पंजाब के किसान बीएमडब्ल्यू में बैठकर सिंगू बॉर्डर या शंभू बॉर्डर पहुंचते हैं, खाए पिए किसान है। क्योंकि लोकसभा का चुनाव नजदीक आ गया है तो वो भी दिल्ली के नजदीक आना चाह रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो संपन्न किसान, ये सोशल मीडिया का नैरेटिव, बीएमडब्ल्यू वाले किसान, इस पे इनकम टैक्स क्यों नहीं लगता? मैं तो बार बार कहता हूँ, लगाओ ना इनकम टैक्स। मैं तो चाहता हूँ कि आप किसान पे इनकम टैक्स लगाओ। मैं देखना चाहता हूँ कितने किसान हैं जो खाली खेती के सहारे इस देश में 10 लाख रुपए महीने इस साल का कमा लेते हैं, उन पे टैक्स भी लगाओ और उनको 26 जनवरी को बुला के अवार्ड भी दे देना है कि ये किसानी से पैसा कमाता है। क्या बात कर रहे हैं आप? भारत सरकार के आंकड़े बताता हूं मैं आपको। इस देश के 87% किसान ऐसे हैं जिनकी पारिवारिक आय महीने की 10,000 रुपए से कम है। बीएमडब्ल्यू, क्या बोला आपने, 10,000 रुपए से कम इनकम है। पंजाब के आधे से ज्यादा किसान हैं जिनकी 10,000 रुपए से कम महीने की, पंजाब की बात कर रहा हूं, मैं देश की बात नहीं, पंजाब के 52% किसान हैं जिनकी 10,000 रुपए से कम इनकम है। ये 4 किसान 10 किसानों के पास बीएमडब्ल्यू आ गई, उसमें पता नहीं कितना फॉरेन रेमिटेंस भी होगा, क्योंकि पंजाब में कैनेडा वगैरह बहुत लोग गए हैं, वहां से अपने परिवारों को पैसा भेजते हैं। और ये जो सरकारी कर्मचारी हैं, ये अपनी पीएफ के लिए लड़ाई लड़ सकते हैं, कोई इनकी गाड़ियां नहीं देखता, कोई इनको ये नहीं कहता कि इनके घर के अंदर फला तरह की गाड़ी है ना। पीएफ का रेट 8% हो या 8.5% हो, इसके बारे में चर्चा हो सकती है। किसान से क्या दिक्कत है भाई? ये दिक्कत ये है कि सारा ये देश चाहता है, खासतौर पर इस देश के जो अर्बन मिडिल क्लास को, ऐसा हो गया है कि किसान फटी हुई धोती पहन के यूं हाथ करके मेरे सामने खड़ा रहे तब तो मैं उसको किसान मानूंगा, नहीं तो मैं उसको कुछ मानूंगा ही नहीं। किसान यूं हाथ करके आज नहीं मांगना चाहता, यूं हाथ करके अपना हक लेना चाहता है, और ये लोगों को कबूल नहीं है। एक किसान आंदोलन से जुड़ा ये आखिरी सवाल होगा मेरा, इसके बाद 1-2 सवाल और हैं, उसके बाद हम खत्म करेंगे। आपने कहा कि ये पंजाब के बारे में बताया, पंजाब के किसानों के बारे में बताया, मैंने एक जिक्र किया लोकसभा चुनाव का। पिछले ही बार जब सिंगू बॉर्डर पर किसान आए थे, उसके बाद यूपी में इलेक्शन हुए और पश्चिम यूपी के किसान भी गाजीपुर बॉर्डर पर आए थे, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट चुनाव पर नहीं पड़ पाया। पश्चिम यूपी में भी जो बीजेपी का वोटिंग प्रतिशत है वो बड़ा ही है। आपको क्या लगता है कि क्या किसान आंदोलन चुनाव पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं डालता है? मैं आपको बताऊँ, मेरी सेहत पर कोई असर नहीं पड़ता। किसान को MSP मिल जाए और MSP दे के नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री बन जाए, बने ना, अच्छी बातें दे तो, है ना। ये सारा सिर्फ चुनाव का खेल नहीं है, ये 60 साल से कोई अपना हक मांग रहा है, वो तंग आ गया है, आजिज हो गया, अब कह रहा है कि अब दो नहीं तो मतलब मैं जी नहीं सकता।
जो उसको दे के सप्ताह में आ जाए बहुत अच्छी बात है। कांग्रेस ने घोषणा कर दी है कि वो एमएसपी को कानूनी गारंटी देगी, पहली इस देश की राष्ट्रीय पार्टी बन गई है। मैं तो चाहता हूँ सब में कंपटीशन हो, मैं चाहता हूँ दूसरी पार्टियां भी कहें, और मैं चाहता हूँ कि नरेंद्र मोदी कहें कि ये तो वायदे कर रहे हैं, लो मैंने दे दिया, बहुत अच्छी बात है। ये ऐसे लोकतंत्र चलना चाहिए ना, पार्टियों में कंपटीशन हो कि कौन इस देश के बड़े से बड़े तबके को अच्छी से अच्छी चीज दे सकता है, और उसके बाद अगर वोट लेते हैं बहुत अच्छी चीज है। ये झूठ और नफरत से वोट मत लो, बस मेरे को तो उसी पे ऐतराज है ना। हिंदू मुसलमान मत करो, किसान और जवान करके वोट ले सकते हो, लो उसमें क्या बुरी बात है, लो ना। एक आखिरी सवाल मेरा होगा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा से जुड़ा हुआ सवाल है। अभी राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में हैं और वो लगातार जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं, ओबीसी की बात कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि मतलब कभी कभी सोशल मीडिया पर देखकर ऐसा महसूस होता है कि बहुत क्लियरेंसी नहीं है, बहुत ज्यादा वो क्लियर स्पष्ट नजर नहीं आते हैं। आपको लगता है कि जातिगत जनगणना वाकई बहुत इम्पेक्ट फुल सवाल है जिससे देश के लोगों का या यूपी के लोगों का माइंड चेंज हो सकता है? देखिए फिर मैं इसको चुनाव की दृष्टि से नहीं देख रहा, मैं इसे इस तरह से देखता हूं कि ये देश को बदलने के लिए अनिवार्य कदमों में से एक है। इस देश में एक बहुत बड़ी बीमारी है जिसका नाम है जाति व्यवस्था। इस बीमारी का इलाज करने के लिए किसी भी बीमारी की तरह कहीं ब्लड टेस्ट होता है, कहीं एक्सरे होता है सबसे पहले, फिर डॉक्टर दवाई लिखता है ना। तो ये जो कास्ट सेंसस है ये एक्सरे है, एमआरआई है जिससे पता लगेगा। कास्ट सेंसस का मतलब केवल ये गिनती नहीं होता है किस जाति की कितनी जनसंख्या है, ये लोगों के मन में गलत फहमी है। कास्ट सेंसस का मतलब है किस जाति समुदाय की कितनी शिक्षा है, कितनी नौकरी है, कितनी उसके पास उसकी आर्थिक स्थिति क्या है, कितनों के पास BMW 4-व्हीलर है, कितनों के पास घर में कंप्यूटर है, कितनों के पास कुछ नहीं है, कौन चूल्हे का इस्तेमाल कर रहे हैं, ये सारी सूचना, यानी कि आपको इस देश के हर जाति समुदाय का पूरा आर्थिक सामाजिक शैक्षणिक अवस्था की तस्वीर मिलती है, उसके बाद आप इसमें इंटरवीन कर सकते हैं। तो ये देश का बहुत बड़ा सवाल है, राहुल गांधी उठाएं उनका स्वागत है, कल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उठाएं उसका भी स्वागत होना चाहिए। कुछ दिन पहले तक तो ओबीसी हुआ करते थे ना, अभी जरा बंद हो गया उनका ओबीसी होना, उठाए ना वो सवाल, करें ना, क्या बुरी बात है। ये ऐसे सवाल हैं जो इस देश के बड़े सवाल हैं, जो उठने चाहिए, चुनाव से पहले उठ रहे हैं, स्वाभाविक है, लोकतंत्र में यही तो होता है, इसी को लोकतंत्र कहा जाता है कि चुनाव में देश के सब बड़े सवाल उठें, जाति का सवाल उठे। और अगर बीजेपी को लगता है कि 10 साल हमने बहुत अच्छी सरकार चलाई है, जरूर वो सवाल उठाएं, पूरे अपने विकास के पूरे आंकड़े पेश करें। ये इस देश के लोगों को एक दूसरे से लड़ा के चुनाव न जीते, अपने 10 साल का हिसाब दे के चुनाव जीते, स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, धन्यवाद।